बाड़मेर की शहरी सरकार के सभापति अपने एसी कार्यालय में और एसी घर में बैठकर ये सोचते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाने के बाद सबसे ज़्यादा उन्होंने ही शहर को स्वच्छ किया होगा, लेकिन उन्होंने बाड़मेर शहर की तीनों दिशाओं को गंदगी से भर दिया है। चाहे बात कोडला मार्ग की हो, चाहे बात गडरा रोड की हो, या कई साल से भुगत रहे गेहूँ रोड की हो, यहाँ पर हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग यहाँ से पलायन को मजबूर हैं। हम इस वक्त डंपिंग स्टेशन जो कि नगर परिषद का है और गेहूँ गांव में स्थित है, यहाँ खड़े हैं। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये ज़िंदगी जी कैसे रहे हैं, कैसे जीते हो ज़िंदगी, हालात तो काफ़ी ख़राब है। सर, ज़िंदगी जीना तो मुश्किल है, बमुश्किल अब ये है कि जो नगर परिषद हमें भुगता रहा है किसी तरह से काट रहे हैं। बस घर कितनी दूर है यहाँ, ज़्यादा दूर तो नहीं लग रहा सर? आप देख सकते हैं पीछे 50 मीटर भी दूरी पे नहीं है। यहाँ पर सोलंकियों की बस्ती है पूरी, कम से कम 20 घर हैं और पीछे यहाँ भी घर हैं, मंदिर है, और इस पहाड़ी के जस्ट पीछे देवी माँ का मंदिर है जो कि आज से लगभग 1400 ईस्वी में बना हुआ है। और हमारे यहाँ की मान्यता है कि जगदम्बे माता सिंध से यहाँ पर पलायन करके आए थे। विरोध इतना किया इतने सालों से कर रहे हो, असर नहीं पड़ता क्या? जी सर, बिल्कुल कोई असर नहीं है। हम लगभग पिछले ये जब से बना है तब से विरोध निरंतर जारी है, लेकिन जब बनाया गया था तब आप पीछे देख सकते हैं ये क्वार्टर बने थे, ये टिन सेट बने थे, और हमसे कहा गया था कि यहाँ पर प्लांट लगेगा और सारा जो कचरा आएगा उसको रिसाइकल करके और उपयोगी बनाएंगे। इसलिए जैसे तैसे उस समय हम शांत रहे, लेकिन जब स्थिति और बद से बदतर होती गई, हम निरंतर पिछले 3 साल से तो जीना मुश्किल हो रखा है यहाँ पर। वसुंधरा राज्य सरकार ने गौ सेवा के नाम पर, गौ संरक्षण के नाम पर जो स्टाम्प ड्यूटी है इसमें बढ़ोतरी की और गायों के लिए अच्छा काम करने की बात कही गई। ये गोवंशी हैं, आवारा गोवंश इनको कहें या गायें जो एक ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ तक भोजन की तलाश में यहाँ पर आ जाती हैं। कांग्रेस ने जब हिंगोनिया गौशाला के अंदर गायों का बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में उनकी मौत हुई थी, उसके बाद कई प्रदर्शन किए थे, लेकिन यहाँ पर किसी की नज़र इनायत नहीं होती। कई सालों से आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे मेरे चारों तरफ, क्योंकि मैं अभी डंपिंग स्टेशन के बीचों बीच खड़ा हूँ, चारों तरफ गंदगी है, पूरे शहर की गंदगी, अस्पतालों की गंदगी, यहाँ तक कि जो मरे हुए पशु और दूसरी जो गंदगी है वो सब यहाँ रहती है। मक्खियाँ, मच्छर, बदबू, और रात दिन यहाँ पर जो आग और कचरा जलता है इसकी वजह से जो धुआँ उठता है, सांस की कई बीमारियां यहाँ के ग्रामीणों को दे चुका है। ऐसे में नगर परिषद जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कम से कम इस इलाके के लोगों के ऊपर भी अपनी नज़र इनायत करनी होगी, क्योंकि ये लोग बाड़मेर शहर से ज़्यादा दूर नहीं रहते और बाड़मेर शहर की सारी गंदगी इनकी किस्मत में आखिर क्यों है, ये इनका सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, गेहूँ, बाड़मेर। शॉट अच्छी तरह करनी है। ओ वैसे हुआ पीलू हूं जा भाई बा कचरा वाला मत गाओ। दवा को हर चीज को जाएगा मेरे पूरे हेयर ही गंदी ये तो है नागों ने तू वो तुम गंदी नौकीदार नागों ने लगा दे रे ये कोई मिट्टी जाएगी नहीं मरे जीते बड़े ये मिट्टी जाएगी।